नमस्कार, आदतन मैं जेके न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत करने को मजबूर हूं, लेकिन आज मैं यहां आपका स्वागत बड़े ही दुख भरे मन के साथ कर रहा हूं, क्योंकि खबर बेहद दुखद है। अहमदाबाद के नौरंगपुरा स्थित श्रेय कोविड हॉस्पिटल में आग लगने की वजह से 8 कोरोना मरीजों की असमय ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि तड़के सुबह 3:15 बजे अस्पताल के आईसीयू में आग लगी। धीरे धीरे यह आग फैलती चली गई और आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिसकी चपेट में आने से 5 पुरुष कोरोना मरीज और 3 महिला कोरोना मरीजों की मौत हो गई, जबकि अच्छी खासी संख्या में लोग घायल भी हुए हैं। प्रधानमंत्री ने मृतकों की आत्मा के लिए संवेदना व्यक्त की है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। इसके अलावा इस घटना में जो भी घायल हैं उन्हें सहायता राशि के तौर पर 50,000 रुपए दिए जाने की घोषणा की है। वहीं दूसरी ओर गुजरात सरकार ने इस पूरे प्रकरण की जांच का आदेश दे दिया है। मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने संगीता सिंह को इसकी जिम्मेवारी सौंपी है कि वो 3 दिनों के अंदर अपनी जांच रिपोर्ट सरकार को सौंप दें, ताकि दोषियों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जा सके। आपको बता दें कि कोरोना महामारी एक ऐसी महामारी है जिसकी परिकल्पना किसी ने भी नहीं की थी। अचानक आई इस महामारी ने पूरी तस्वीर को बदल कर रख दिया है। ज़्यादातर शहरों में अस्पताल ऐसी संरचनाओं में संचालित किए जा रहे हैं जिनका निर्माण किन्हीं और उद्देश्यों के साथ किया गया था, लेकिन महामारी आने की वजह से उन्हें आनन फानन में अस्पताल का स्वरूप दे दिया गया, जहां कोरोना मरीजों का इलाज किया जा रहा है। लेकिन ये अस्पताल कोरोना मरीजों के लिहाज से बिल्कुल ही असुरक्षित हैं। इतना ही नहीं, यहां मरीजों की सेवा कर रहे स्वास्थ्य कर्मी भी असुरक्षित हैं, उनकी भी सुरक्षा चिंता का विषय बनी हुई है। इसलिए सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द इस दिशा में कोई आवश्यक कदम उठाए। हालांकि यहाँ हमारा इरादा सरकार की मुखालफत करना या आलोचना करना नहीं है, क्योंकि सरकार की भी अपनी मजबूरियां हैं, अपनी सीमाएं हैं, लेकिन यदि सरकार चाहे तो एक ऐसी सुदृढ़ व्यवस्था खड़ी कर सकती है ताकि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। अब दूसरी खबर झारखंड से। यह खबर भी राज्य के लिए अच्छी खबर नहीं है। राज्य के लगभग 10,000 अनुबंध स्वास्थ्य कर्मी हड़ताल पर चले गए हैं। अनुबंध कर्मियों का मानना है कि सरकार ने पिछले 4 महीनों तक उन्हें कोरोना वॉरियर्स का खिताब दिया, उन्हें लगातार आश्वासन दिए गए, लेकिन अब तक उनकी मांगों पर सरकार ने सहानुभूतिपूर्वक विचार नहीं किया। अनुबंध कर्मियों का कहना है कि उनकी हड़ताल की वजह से राज्य के सभी 24 जिलों में इलाज प्रभावित हुआ है, जिसमें कोरोना मरीजों का इलाज भी शामिल है। आपको बता दें कि पूरे देश में कोरोना महामारी विकराल रूप धारण कर चुका है और ऐसे समय में स्वास्थ्य कर्मियों का हड़ताल पर जाना एक बड़ी ही चिंता की बात है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग के सचिव डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी ने इस हड़ताल को पूरी तरह से अनुचित करार दिया है। उन्होंने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि चूंकि राज्य में आपदा प्रबंधन एक्ट लागू है और ऐसे समय में स्वास्थ्य कर्मी किसी भी प्रकार से हड़ताल पर नहीं जा सकते हैं। वहीं दूसरी ओर अनुबंध कर्मियों को मनाने की लगातार कोशिशें चल रही हैं, लेकिन अब तक हड़ताल पर गए अनुबंध स्वास्थ्य कर्मियों से कोई सार्थक वार्ता नहीं हो पाई है। आपको बता दें कि अनुबंध स्वास्थ्य कर्मियों की सबसे बड़ी मांग है उनका समायोजन। वे चाहते हैं कि उनका स्थायीकरण किया जाए, ताकि राज्य में वे बेहतर सेवा दे सकें। अब हम बात करेंगे दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत प्रकरण की। इस पूरे प्रकरण में बिहार और महाराष्ट्र की सरकार के बीच जारी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक ओर जहां जांच के लिए बिहार सरकार की ओर से भेजे गए पटना के सिटी एसपी विनय तिवारी को अब तक महाराष्ट्र सरकार ने क्वारंटीन कर रखा है, वहीं दूसरी ओर बिहार सरकार इसे पूरी तरह से अनुचित बताती है। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने साफ लहजे में कहा है कि यह महाराष्ट्र पुलिस और बीएमसी द्वारा अपनाया जा रहा बिल्कुल अनुचित रवैया है, क्योंकि उन्हें बिहार सरकार की ओर से जांच के लिए भेजा गया था। ऐसे में उनका सहयोग किया जाना चाहिए था, लेकिन महाराष्ट्र पुलिस की ओर से बजाय सहयोग करने के उन्हें क्वारंटीन कर दिया गया। वहीं यह पूरा मामला अब राजनीतिक रूप भी धारण करता चला जा रहा है।
बीजेपी के नेता नारायण राणे ने इसके लिए सीधे सीधे महाराष्ट्र सरकार को दोषी ठहराया है। उन्होंने कहा है कि इस पूरे प्रकरण में सूरज पंचोली की भूमिका काफ़ी संदिग्ध है, क्योंकि उनके घर पर एक पार्टी का आयोजन किया गया था जिसमें अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत भी गए थे, जहां सुशांत सिंह राजपूत के साथ सूरज पंचोली ने मारपीट की। वहीं दूसरी ओर सूरज पंचोली ने इसे पूरी तरह से बेतुका करार दिया है। उनका कहना है कि सोशल मीडिया में आ रही ऐसी खबरों पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये सारी की सारी बातें पूरी तरह से महज अफवाह हैं और उन्हें बदनाम करने की कोशिशें की जा रही हैं। वहीं इस पूरे प्रकरण में महाराष्ट्र के सांसद संजय राउत भी कूद पड़े हैं। उन्होंने कहा है कि इस पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच नहीं कराई जानी चाहिए, क्योंकि सीबीआई के पास और भी कई महत्वपूर्ण मामले हैं। चौथी खबर जम्मू और कश्मीर से। जम्मू और कश्मीर के एलजी जीसी मुर्मू ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उनके इस्तीफे को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकार भी कर लिया गया है। अब केंद्र सरकार ने फैसला लिया है कि मनोज सिन्हा को वहां का एलजी बनाया जाएगा। आपको बता दें कि मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में मनोज सिन्हा एक कद्दावर मंत्री हुआ करते थे और बतौर रेल राज्य मंत्री और संचार राज्य मंत्री अपनी भूमिका निभाया करते थे। हालांकि पिछला लोकसभा चुनाव वे हार गए, जो उनके लिए करारा झटका था, लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव के दरमियान उनका कद काफ़ी बढ़ गया था और ऐसा लगता था कि यदि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो वे उत्तर प्रदेश के अगले बीजेपी के मुख्यमंत्री हो सकते हैं। बहरहाल तब चूक गए मनोज सिन्हा, अब जम्मू कश्मीर के एलजी के तौर पर काम करेंगे, जो पूरे देश के लिए एक बड़ी खबर है, क्योंकि जम्मू कश्मीर एक बेहद संवेदनशील स्थान है जहां सरकार की पैनी नज़र हर घड़ी बनी रहती है और वहां सामंजस्य बनाए जाने की भी घोर आवश्यकता महसूस की जाती है।